टाइम पे कॉटेज जो है वो तेज धूप से बर्न होने लगे हैं, यानी पीले पड़ने लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पीले पड़ने लगे हैं ये कॉटेज, और जैसे ये देखिए ये पीला पड़ रहा है। तो हमने इस तरीके से इसकी ये ढक दिया है, ये नेट से ढक दिया है। आप भी के पास भी अगर इस तरीके की नेट हो हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अप्रैल का महीना लग गया है और गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है। टेम्परेचर 35 के आसपास पहुंच गया है और अब इससे आगे निकल जाएगा। इस महीने में कुछ ही दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगेगी और लूएं चलने लगेंगी। तो ऐसे मौके पर आप जो अपने कॉटेज हैं तो उनकी मल्चिंग कर दें, और मल्चिंग आप पत्तों से कर दें, चाहे किसी कोई नेट हो वो नेट के काट के। जैसे कि ये हमारे पास ये पुराना नेट था, और ये जो बिछाने वाला होता है रूम के अंदर जो बिछाते हैं वो था, और पुराना हो गया था, मैंने बदला उसको। तो ये काट काट के मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ। ये इस तरीके से पीले पड़ने लगते हैं, ये देखिए। तो इसको ढकना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरीके से इसको ढक दें। तो और ये मैंने देखिए नारियल के टुकड़ों से ढका हुआ है, ये नारियल के ऐसे पीसीस कर लीजिए और उसके बाद में इनको ऐसे पीस करके और इस तरीके से ढक दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। नारियल के टुकड़े जो हैं ये भी, और आपको इस टाइम पे काफ़ी मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नारियल पिया जाता है तो इस वजह से नारियल के टुकड़े भी बहुत अच्छा काम करते हैं मल्चिंग का। और कुछ भी नहीं मिले तो आखिर में जो है पत्ते, आप सूखे हुए पत्ते उसकी मल्चिंग कर दें। लेकिन सूखे हुए पत्ते जो हैं वो डिकम्पोज होकर और फंगस लगा देते हैं, इस वजह से सूखे हुए पत्तों को एहतियात रखें कि वो हटाकर ही पानी दें और उसके बाद में फिर दोबारा से रख दें उसको वहाँ पर। तो इस तरीके से आप उसको रोक सकते हैं सूखे हुए पत्तों को भी। और नहीं तो आप ज़्यादातर ये दो चीज़ें जो आपने को मैंने दिखाई हैं, एक नारियल के टुकड़े, नेट का जो कटा हुआ हिस्सा है वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अब इस टाइम पे अडेनियम मेरे लगभग काफ़ी खिल चुके हैं, 20-25 अडेनियम खिल रहे हैं और बाकी के अभी में वर्ड्स आ रहे हैं, सारे खिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ये इस टाइम पे देखिए, ये सीड पोट हमारा मालूम कब आया था? ये नवम्बर में सीड पोट आया था, अक्टूबर में ये छोटा सा था, और उसके बाद में ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 7वां महीना लग गया है और अभी तक ये सीड पोट पका नहीं है। और जो अब सीड पोट आएगा गर्मी के मौसम में, वो सीड पोट 3 महीने के अंदर पक जाता है, उसके सीड तैयार हो जाते हैं। लेकिन सर्दी का आया हुआ सीड पोट जो है उसको 6 महीने आराम से लग जाते हैं, 6 महीने बाद ही वो पकता है। लेकिन जो इसका सीड होता है, इसके अंदर बीज होता है, वो बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन में ये पकता है, इस वजह से इसका सीड बहुत हेल्दी होता है, एक एक सीड इसका ग्रो करता है, ये इसका फ़ायदा है। एक बार और मेरे साथ हुआ था ऐसा कि वो सीड पोट जो था हमारा 6 महीने के बाद पका था, सर्दियों में आया था वो अक्टूबर नवंबर में, और उस पीरियड में जब आया था तो पकता, ये जब गर्मी पड़ेगी तब अपने पीरियड पे ही जाके ये पकेगा, जिस तरीके से इस मौसम में जब टेम्परेचर 35 से ऊपर निकल जाएगा तब ये जाके पकेगा। अब हमने इसको धागे से बांध दिया है ताकि ये फटे ना, और क्योंकि ये किसी टाइम भी फट सकता है, और अभी बस दो ही चार छः दिन जा रहे हैं, ये बहुत जल्दी पकने वाला है। तो इसको मैं जब ग्रो करूँगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अडेनियम के सीड जो हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो अब इस टाइम पे जो सीड पोट आएगा आपके प्लांटों के अंदर, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जिनके यहाँ ज़्यादा अडेनियम हैं तो उनके यहाँ काफ़ी मात्रा में पोलन भी आते हैं, तो जब पोलन आके इन पे बैठता है तभी जाके उसमें सीड पोट आता है, हर फूल के ऊपर सीड नहीं आता है। जो डबल वाले इस तरीके के फ्लावर होते हैं इनके अंदर बहुत कम सीड बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा जो है वो घुस नहीं पाता है किसी किस्म का। और ये सिंगल वाले जो होते हैं तो ये इसके अंदर आराम से जो है पोलन घुस जाता है और वो जाके इसका पोलिनेशन कर देता है। तो इस तरीके से आप अपने सीड पोट को अगर आपके यहाँ आ गया है तो उसको किसी धागे वागे से बांध दें, और बांधने के बाद में वो जब फटेगा तो वो आपके सीड उड़ेंगे नहीं,
नहीं तो इसके सीट अगर नहीं आपने बांधे तो वो उड़ जाते हैं, और इस टाइम पर जो सीट पोट आएगा वो 3 महीने के अंदर ही पक जाएगा। तो और एक बात याद आ रही है कि जब गर्मी तेज पड़ने लगे यानी टेम्परेचर 40 से ऊपर निकलने लगे तब आप इनका जो है वो इंतज़ाम अच्छी तरीके से करिए। किसी ग्रीन नेट हो तो ग्रीन नेट के नीचे रख दिए इनको, या कोई आपके पास बरामदा वगैरह हो तो बरामदे में इसको रख दें, और ऐसी जगह रखें जहां हवा जो है हवा की क्रॉसिंग हो, हवा की क्रॉसिंग की जगह पे ही आप अपने एडेनियम को रखें और बंद जगह पर ना रखें, यानी किसी रूम वगैरह के अंदर इनको ना रखें। रूम में उमस होती है और उमस से ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे और वहाँ ये मर भी सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर जो है वो उमस टाइप का हो जाता है, इस वजह से बंद जगह पर एडेनियम को ग्रोथ नहीं करेगा। बंद जगह पर कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, एडेनियम क्या कोई भी प्लांट आप रखेंगे बंद जगह पर वो ग्रोथ नहीं करेगा। सिर्फ वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो वो भी पंखा वगैरह चल गया होता है तो उसमें रख सकते हैं आप, जो इंडोर प्लांट होते हैं वो तो रुक जाते हैं, उसके लिए भी पंखा वगैरह चलता रहे और वो चल जाते हैं 8-10 दिन, 8-10 दिन के बाद उनको भी 1-2 दिन के लिए धूप में रखना पड़ता है। तो ये जो है वो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग हो। हमारे पास तो ममटी है और ममटी की जो है दोनों साइड से क्रॉसिंग है, ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से क्रॉसिंग है, तो इधर हम रखते हैं एडेनियम, बारिशों में भी यहीं रखते हैं, और उसके बाद में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तब भी हम इसी जगह रखते हैं, और वैसे हम बड़े प्लांटों के नीचे भी रख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं, ये चंपा है, अमरूद है, और ये इस टाइप के बड़े प्लांट हैं, इनके नीचे भी रख सकते हैं आप, और जिनके यहाँ जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं ट्री टाइप के तो उनके नीचे भी रख सकते हैं आप, उसके नीचे हवा भी लगती रहती है और ग्रोथ भी अच्छा करते हैं एडेनियम। और ऐसी जगह हमने कई जगह देखे हैं कि पौधों के नीचे एडेनियम लगे हुए हैं गर्मियों मई जून में, तो वहाँ फ्लावरिंग भी दोबारा से आने लगती है, क्योंकि उनको टेम्परेचर वहाँ नैरो मिलता है, कम मिलता है टेम्परेचर, तो इस वजह से उनको 35 डिग्री टेम्परेचर वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ से फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो बड़े प्लांटों के नीचे यानी ट्री के नीचे अगर एडेनियम आप अपना रखेंगे तो वहाँ पर दोबारा से वर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, दोबारा से फूल वगैरह आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इसका जब 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो उस पीरियड में ज़रूर इसका इंतज़ाम कर लें, और नहीं तो ये जो है बर्न हो जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए आप, ये पीले पड़ के और यहाँ से फंगस पकड़ लेती है, इसके अंदर से गलने लगते हैं। ये कुछ ये देखिए हमारा पिछले साल हो गया था ये प्लांट, ये देखिए ये पिछले साल ये प्लांट हो गया था, और भी 1-2 प्लांट हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ढका हुआ है, ये क्या हालत हो गई थी इसकी, इस तरीके से जलने लगता है, लेकिन वो मैंने टाइम से देख लिया इसको और फिर इसको बचाया, तो अब के मैंने इसको पहले से ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ये प्लांट बहुत अच्छा है और कहीं ये बर्न ना हो जाए, तो इस वजह से ये सारे प्लांट हमने वो वाले जो बर्न हो रहे हैं उनके अंदर ही मैंने इनको ढकाया भी, और फिलहाल अगर हम और कोई बर्न होता हुआ देखेंगे तो धीरे धीरे करके सबको इस तरीके से ढक देंगे, क्योंकि इस टाइम पे फ्लावरिंग का टाइम है। असल में फ्लावरिंग का इनका क्या टाइम है, सब हर चीज़ खिल रही है इस टाइम पे, बसंत का महीना चल रहा है और सारी बिगनबेलिया वगैरह देखिए आप कितनी बेहतरीन बिगनबेलिया खिल रही है हमारी, ये सारी ये बिगनबेलिया खिल रही है काफ़ी, एक से एक बढ़िया हमारी बिगनबेलिया खिल रही है। और ये देसी पिटनिया ये तो मई जून में भी खिलती रहती है, देसी पिटनिया जो सीड की होती है जो सीड से ग्रो होती है वो देसी कहलाती है, ये गर्मियों में मई जून में भी खिलती रहती है। ये देखिए इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और ये खिली पड़ी हुई है सारी, और ये मेरी टार्च बिगनबेलिया है, तो इसमें एक मरतबा तो फूल आ चुके हैं, अब दोबारा से इसमें वर्ड्स छोटे छोटे निकलने शुरू हो गए हैं, कुछ खिल गए हैं और कुछ छोटे हैं अभी इस तरीके से। और ये भी हमने असल में इसको हम बिल्कुल बॉल गोल बना के रखते हैं, छोटा सा बॉन्साई टाइप का, ये देखिए इसको बढ़ने बिल्कुल नहीं देते हैं, जो भी ब्रांच जैसी एक्स्ट्रा निकलती है ऊपर को फौरन मैं उसको प्रून कर देता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल गुलाई के अंदर अच्छी तरीके से तराश के बना दिया है, और जब ये पूरा ऊपर से खिलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है।
तो साथियों इस तरीके से अपनी एडेनियम की आप गर्मियों में केयर करें, क्योंकि गर्मी से भी ये एडेनियम को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ऐसा मौसम कोई नहीं है जो एडेनियम की केयर ना करनी पड़े, चाहे सर्दी हो तो डोरमेंसी में चला जाता है, और बरसात में ज़्यादा बारिश से इसके रूट रोट हो जाते हैं, और गर्मियों में ये इनके कोटेस बर्न होने लगते हैं। तो साथियों इन सब चीज़ों का ध्यान रख के और आप अपने एडेनियम की सारी केयर करें। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।